हरिंद सिंह है। आज हम आपको राजस्थान से एक यूनिक डिश बताने जा रहे हैं, लेकिन हमने इसको इनोवेट किया है। जैसे एक कुछ जैसे मेवाड़ रीजन में जैसे पान आप लोगों में ट्रैवल करते हैं और उसकी हम आज कढ़ी बनाएंगे, लेकिन राजस्थानी स्टाइल में बनाएंगे, एक यूनिक रेसिपी है। तो मैंने ये पान के पत्ते ले लिए हैं। आप पान के पत्ते के या तो पकौड़े टाइप भी बना सकते हो या फिर बरवा भी बना सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगा कि जैसे इसमें स्टफ करके इसके पकौड़े निकालेंगे फिर इसकी कढ़ी बनाएंगे। तो ये यूनिक रेसिपी है। तो सबसे पहले जैसे हम दही ले लेंगे, दही लेंगे, इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर देंगे, हल्की सी रेड चिली, ये कड़ी का बेस है, कड़ी का बेस बना रहे हैं, टर्मरिक और सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो इसको मिला के हम बाई साइड रख देंगे। इसके बाद हम जो इसके जैसे पान के पत्तों की स्टफिंग बनाएंगे, तो मैंने ये बॉइल आलू ले लिए हैं। आप इसमें कुछ भी स्पाइसी टेम्परिंग करके भी कर सकते हो, तो मैं नॉर्मल बना रहा हूँ। इसमें हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे धनिया, अदरक, हरी मिर्च, थोड़े से प्याज, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, इसमें फूटा हुआ धनिया, अजवाइन और जीरा। तो इसका मिक्स बना के हम रख देंगे। देखिए हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका। आप इसको बाद में टेस्ट कर लीजिए और इसकी हम स्टफिंग बनाएंगे। तो ये जैसे पान के पत्ते आप लोगे तो इक्वल साइज के लोगे, जो इसमें जो आलू का मिक्सर है आपको पकौड़े के शेप में जैसे, तो ये एक करेगा आपका स्टफ। इसके बाद हम इसमें ये देखिए बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, बाई साइड रखेंगे। इसके बाद हम जैसे पान के पत्तों के लिए जो बैटर बनाएंगे हम पकौड़े बनाने के लिए, उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट, थोड़ा सा अजवाइन जीरा, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च और हींग। तो मिक्स कर लेंगे बाय वाटर ऐड करके। और इसको फर्मेंटेशन के लिए कम से कम आधा घंटा आप छोड़ देंगे। तो इसके बाद हम जिसकी टेम्परिंग बनाएंगे, जैसे कढ़ी बना लेंगे। कढ़ी बनाने के लिए आपको हैवी बॉटम का पैन ले लेना, तो मैंने ले लिया है। इसके हम जैसे ऐड करेंगे घी, इसके बाद उसमें हम घी ऐड कर देंगे। घी राजस्थान में एक यूनिक महत्व है, लोगों के पास कैटल बहुत होता है जिसके कारण लोग घी का यूज ज़्यादा करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को भी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे हींग, साबुत लाल मिर्च, फिर जीरा, कुटा हुआ धनिया, राई ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, गार्लिक, लहसुन, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज, अदरक, हरी मिर्च, तो
तो आपको जैसे ये मसाले हैं इसको ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्की सी हल्दी, लाल मिर्च हल्की सी, और ये मसाला पक जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने ये दही साथ के साथ बेसन कर रखा है, आप इसको इसमें पोर कर देंगे और इसको कंटिन्यू हिलाते रहेंगे। जब तक आपकी कढ़ी बनेगी आपको इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है, अगर आप छोड़ दोगे तो ये आपकी कर्डल हो जाएगी। तो हम जैसे पान पत्ते के जो पकोड़े बनाएंगे तो पान पत्ते को हमने जैसे रेस्ट कर दिया है, इसके बाद जैसे आपको एक एक करके इसको इसमें आपकी बाइंडिंग भी रहे और पत्ते छूटे नहीं, आपको इसको थोड़ा सा तेल की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। और इसको पकड़ के दोनों साइड से जैसे मिर्ची बड़ा होता है वैसे निकालना है। तो ये देखिए हमारी जो कढ़ी है बनके तैयार हो चुकी है, कितना यूनिक कलर है, आई थिंक आपको पसंद आएगी। ट्रेडिशनली रेसिपी बाय प्रेम सिंह राठौर। तो जैसे हमारे पान पत्ते के पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं, आप इसको किसी काट के भी जैसे कढ़ी में डाल सकते हैं और इंडिविजुअल प्लेट भी कर सकते हैं। इसको हम बाय साइड ले लेंगे। तो ये देखिए जैसे पान पत्ते का जो हार्ट शेप है पकोड़े बनाए हैं पान पत्ते के, इसकी जैसे आप कढ़ी में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मैं इसमें खाली पोर करूंगा। जैसे तो ये जैसे बन के तैयार हो चुके हैं, आप इसमें जैसे हरा धनिया वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं, ऊपर से लाल मिर्च सूखी भी डाल सकते हैं। तो यूनिक रेसिपी आई थिंक आपको पसंद आएगी। ट्रेडिशनली एंड हेल्दी रेसिपी बाय प्रेम सिंह राठौर, पान भरवा पान पत्ते की कढ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।